अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आज का टॉपिक ना मैंने काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी टाइम लगाकर, काफ़ी रिसर्च के बाद सेलेक्ट किया है। मेरे पास रोज़ के हिसाब से ना बहुत क्वेरीज आती हैं, ट्रस्ट मी, मतलब 30 से 40 मैसेजेस मुझे रोज़ रिसीव होते हैं, चाहे वो ईमेल्स के थ्रू हो रहे हों, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो आपके कमेंट सेक्शन में हो। वो ऐसे मैसेजेस होते हैं जो ज़्यादातर रिलेटेड ये होते हैं कि आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि हम पाकिस्तान से निकल जाएं और हम कहीं और जाके अपनी ज़िंदगी बसर करें। देखें, पाकिस्तान से निकलने का जो सबसे बड़ी वजह है ना, पाकिस्तान के जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ वही लोग रह रहे हैं जो या तो बहुत इलीट क्लास से हैं, जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया में चल क्या रहा है, जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता हो क्या रहा है, उनके पास इतना पैसा है, इतने उनके वसाइल हैं कि पाकिस्तान इज़ पैराडाइज फॉर देम। और दूसरे हमारे मुल्क में वो क्लास बस रही है जो इतने मजबूर हैं, उनके पास ज़रा आमदनी नहीं है, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मुल्क से निकल सकें। वो निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं निकलने के लिए। देखिए, अगर आपको कहीं भी माइग्रेट करना होता है ना किसी कंट्री में, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा। पैसा नहीं है, यू कॉन्ट माइग्रेट एट ऑल। इनके अलावा जो इंसान भी पाकिस्तान में इस वक्त बस रहा है ना, वो पाकिस्तान से निकलना चाहता है, चाहे उसके लिए वो उन्हें 99 लाख रुपया, 95 लाख रुपया ही एजेंट्स को क्यों ना देना पड़ रहा हो, वो निकलना चाहते हैं वहाँ से। और दिस इज़ फेयर इनफ। देखें, हर इंसान को हक है कि वो अपने फ्यूचर के लिए अच्छा सोचे और बेहतरीन सोचे, बल्कि मैं कहती हूँ बेहतरीन से भी बेहतरीन सोचें, क्योंकि ये एक इंसान का बेसिक हक है। मतलब अगर आपका फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है, आपका फ्यूचर आपको दिख ही नहीं रहा एक मुल्क के अंदर, तो बताएं रहने का फ़ायदा क्या है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कोई ये ना कहे कि आप नेगेटिविटी फैला रही हैं, पाकिस्तान पैराडाइज है, हम खुश हैं यहाँ पे, आप खुश हैं, अच्छी बात है, गुड फॉर यू। बट ये वीडियो उनके लिए जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, जो अपना फ्यूचर थोड़ा सिक्योर करना चाहते हैं, जो जब घर से बाहर निकले तो डरे नहीं कि यार हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ सकते, बाइक पर जा नहीं सकते कि रास्ते में लूट लिए जाएंगे, गोल्ड पहन नहीं सकते कि रास्ते में उतार लेगा हाथ से। खैर जनाब, आगे फर्दर बात करने से पहले आप लोगों ने सिर्फ एक फेवर करना है, वो है लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है, और आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए, ज़ाती तौर पे ना मुझे ना बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे नहीं पता हर इंसान की अप्रोच कैसी है, पर मुझे ना ज़ाती तौर पे बहुत तकलीफ़ होती है अगर मुझे कोई बताए कि यार हमने 95 लाख रुपए दिया यूके में आके बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास काम नहीं है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, पीछे जा नहीं सकते कि सब बेच के आ गए, आगे कहीं जाने का रास्ता नहीं दिख रहा, अब बताएं हम क्या करें। दूसरी बड़ी वजह इस ब्लॉग को बनाने की ये थी, जब से मैंने पोस्ट लगाई थी रिगार्डिंग यूके के एजुकेशन सिस्टम में चल क्या रहा है और यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, लोगों ने मुझे, बहुत से लोगों ने, आप देख भी सकते हैं उस कमेंट सेक्शन को, उस व्लॉग के कमेंट सेक्शन को, क्योंकि लोगों ने एक्नॉलेज किया कि यही चीज़ें अमेरिका में, यही चीज़ें कनाडा में, यही चीज़ें ऑल ओवर द यूरोप चल रही हैं। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने इनबॉक्स भी मुझे किया, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया, मैंने कमेंट सेक्शन भी भरा पड़ा उसका कि फिर हम कहाँ जाएं, हम अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करें, हम फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, ये एक हमारा पर्पज़ है मेन, लेकिन आप अपनी औलाद को खोना नहीं चाहते, उन्हें इस्लाम से हटाना नहीं चाहते, उन्हें बेरारवी की तरफ लेके जाना नहीं चाहते। सो जनाब, जो कंट्री मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली एट द मोमेंट बेस्ट है जाने के लिए, जो कि इस्लामिक कंट्री भी है, और अगर मैं कंपेयर करूं यूके, पाकिस्तान, अमेरिका वगैरह से, तो एटलीस्ट इस वक्त वो कंट्री पाकिस्तान से 100 गुना 200 गुना बेहतर चल रहा है। देखिए, महंगाई दुनिया में हर जगह है, आप ये नहीं कह सकते महंगाई है तो हम यहाँ नहीं जाना चाहते, महंगाई दुनिया में हर जगह है। यूके में जितनी महंगाई चल रही है इस वक्त, ये मैं आपको क्या बताऊँ लफ्ज़ों में, जो यहाँ रह रहे हैं वो सारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूके में कितनी महंगाई चल रही है। मतलब अगर कोई इंसान 2200-2400 कमा रहा है तो उसके लिए खाना मुश्किल है यहाँ पर। खैर जनाब, इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, जो हालात ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं, जो हालात यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, उसको देखते हुए अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, इवन माई पर्सनल प्रेफरेंस इज टर्की। टर्की इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव, टू बी ऑनेस्ट। वो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैं टर्की खुद भी गई हूँ, मैंने वहाँ टाइम गुजारा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, खुद से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो टर्की इज़ फार बेटर दैन यूरोपियन कंट्रीज़। आप समझ रहे हैं, टर्की पाकिस्तान का एडवांस वर्जन है। टर्की इस वक्त जिस तरह खड़ा हुआ है ना, जिस पोजीशन में टर्की की, जिस वक्त पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन, वो ऐसी है जैसी पाकिस्तान की 100 साल बाद होगी शायद, या 150 साल बाद, और जो हालात हमारे दिखते हैं वो तो 150-200 ही कहूँ तो फेयर इनफ होगा, लेकिन दैट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इससे पहले मैं बात करूँ कि टर्की जाने का ईजिएस्ट वे कौन सा है, टर्की माइग्रेट कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, इससे पहले मैं एक और बातें बात करूँगी, वो है लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है अभी कमेंट सेक्शन भर जाना है इस बात से कि भाई वहाँ टर्किश बोलते हैं, वो तो समझते ही कुछ नहीं है, हम कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे। अच्छा, मैं आपको साफ बता दूँ
टर्की वाले अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं समझते, आपको टर्किश सीखनी पड़ेगी। डेट्स अ मस्ट 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 थिंग। अगर आप नहीं सीख सकते तो फिर बड़ी मुश्किल होनी है आपके लिए, लेकिन आप टर्किश सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि भाई टर्किश ज़बान मुश्किल है, हम कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे लर्न ये वो, तो भाई जो लोग कहते हैं हमें यूरोप भेज दो उठा के, जर्मनी भेज दो, नैदरलैंड भेज दो, हॉलैंड भेज दो, या हमें फ्रांस भेज दो, या हमें क्या कहते हैं किसी भी कंट्री लगा लें यूरोप का, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं? नहीं, वो लोग भी अपनी ही ज़बान बोलते हैं, आपको वहाँ जाके उनकी ज़बान ही सीखनी पड़ती है। सो टर्की में बसने के लिए आपको टर्किश लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील। जहाँ जिस मुल्क में आप इस वक्त रह रहे हैं वहाँ जान की अमान नहीं है, आप कुछ भी करके निकलना चाहते हैं, और जब आप निकलना चाहते हैं अगर आपको ऑप्शन दिया जाए उसके बाद आप कहें कि मैं लैंग्वेज नहीं सीख सकता, तो फिर आप वहीं रहें जहाँ पर आप हैं। पर अगर आप अपने आप को निकालना चाहते हैं, अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अब टर्किश सीख ली है, ये सच है कि उन्हें 8 से 9 महीने लगे हैं ज़बान सीखने में, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सीखी है, उन्होंने कोशिश की है। अगर दुनिया में 2 लोग सीख सकते हैं तो तीसरा आप क्यों नहीं सीख सकते, आप भी सीख सकते हैं, लेकिन मेहनत आपकी अपनी होगी। एंड ट्रस्ट मी, टर्की में लैंग्वेज बैरियर के अलावा कोई बैरियर नहीं है। ये बैरियर आपको यूरोप के हर कंट्री में मिलेगा, चाइना चले जाएँ, कोरिया चले जाएँ, जापान चले जाएँ, आपको हर जगह मिलेगा। सिर्फ इंग्लिश कंट्रीज है जो हाथों पे गिन सकते हैं इंसान, यूके, यूएसए, कनाडा और अमेरिका, बाकी सब यही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर ना उनकी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। अगर हम बात करें टर्की में रहने के फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप कैसे आसानी से ले सकते हैं रेजिडेंटशिप, पर आप थोड़े पहले फ़ायदे सुनो ताकि आपको पता चले कि यार अगर हम टर्की जा रहे हैं तो हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना टर्की का, वो ये है कि टर्की एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी इस्लाम के अकॉर्डिंगली ईजिली गुजार सकते हैं। अपने बच्चों को इस्लाम पे रखना कोई बड़ी बात नहीं है उस मुल्क के अंदर। 5 वक्त की अजान आप मस्जिदों में सुनते हैं, आपके घरों तक वह आवाज़ पहुँचती है। मतलब मैं यूके में रह रही हूँ, मैंने आज तक यूके में अजान कभी नहीं सुनी। मेरे घर में ठीक है मैंने मोबाइल के थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू लगाई हुई है, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी मस्जिदों के थ्रू अजान नहीं सुनी। और जहाँ तक आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो फ्रांस में क्या चल रहा है वो आपके सामने के, वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इस्लाम पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अबाया पहना मना कर दिया, बच्चों को सर पे स्कार्फ लेना मना कर दिया। कोई खुद से नहीं लेना चाहता, डेट्स अप टू हर चॉइस, लेकिन आप इसको फोर्स नहीं कर सकते कि सर से स्कार्फ उतारें इस कंट्री में रहने के लिए। एटलीस्ट टर्की में आप अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक तो गुजार सकते हैं, अपने मज़हब को फॉलो तो ईज़िली कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे बड़े बेनिफिट की बात करूँ ना टर्की के, वो है टर्की में बच्चों की एजुकेशन। टर्की में अप टू क्लास 12 बच्चे फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं, आपके बच्चों से पैनी भी वो चार्ज नहीं करते। स्कूल वाले आपके बच्चों को बुक्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह खुद प्रोवाइड करते हैं सारी। और उसके अपोजिट अगर हम अपने मुल्क की बात करें, तो हमारे मुल्कों में तो 50-50 हज़ार एक बच्चे के स्कूल की फ़ीस है, बाकी स्टेशनरी बुक्स वगैरह वो सब अपनी जेब से भरनी होती हैं आपने। लेकिन एटलीस्ट टर्की में आपके बच्चे फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं। दूसरा बड़ा बेनिफिट है टर्की की नेशनलिटी का, वो है कि आपको फ्री मेडिकल एक्सेस में होता है। हर बंदा बेसिक मेडिकल फ्री अप्रोच कर सकता है, हर बंदे की वो एक्सेस में। दूसरी बात है कि वहाँ पे हेल्थ केयर इंश्योरेंस सिस्टम भी है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हो तो आप इंश्योरेंस ले के सकते हैं, और इंश्योरेंस के थ्रू आप अपना इलाज करवा सकते हैं, जैसे GCC कंट्रीज़ में लोग करवाते हैं अगर आपने कोई बड़ी ट्रीटमेंट वगैरह करवानी है। लेकिन जो बेसिक हेल्थ केयर है वो सबके लिए फ्री है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जितनी भी बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं ना, वो टर्की में फ्री है। अगर आपने एडवांस सर्जरी करवानी है, कोई ट्रीटमेंट लेनी है, तो उसके लिए आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, बट दैट्स मेनली पेइंग थ्रू योर इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस के थ्रू पे कर रहे होते हैं, जैसे आप GCC कंट्रीज़ में पे कर रहे होते हैं। लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स और बेसिक ट्रीटमेंट जो होती है मेडिकल की, वो फ्री होती है सबके लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ आपको कि टर्की का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, दुनिया का माना हुआ हेल्थ केयर सिस्टम है उनका। लोग अमेरिका वगैरह से उसके हेल्थ केयर सिस्टम को कंपेयर करते हैं कि इतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, और एटलीस्ट हमारे मुल्कों से तो अच्छा ही है कि तौलिया और कैंचियाँ रखकर बिल्कुल पेट में नहीं भूलते किसी के। सो आप जब बीमार होते हैं खुदा ना खास्ता, तो आप सेफ हैंड्स में होते हैं। टर्की की एक और जो अच्छी बात है ना, वह है बेसिक नेसेसिटीज़। बिजली, गैस, पानी हर एक को ईजिली फराहम की जाती है। ऐसा नहीं कि आप बिल भरें तो आपके घर में पानी ना आए, आप बिल भरें तो आपके घर में गैस नहीं आ रही हो, ऐसा भी नहीं 50-50, 60-60 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा हो। टर्की में बिजली, गैस, पानी बहुत अफोर्डेबल है। मतलब आप इमेजिन करें कि आपके घर 24 घंटे बिजली की फराहमी आए, और आपका जो एंड में बिल बनता है महीने के एंड में, वो हार्डली बनता है 2,000 रुपये या फिर 2,500 पाकिस्तानी रुपये। और अगर मैं ऑन एवरेज बिल की बात करूँ ना, तमाम यूटिलिटीज़ मिला के, बिजली, गैस, पानी, इंटरनेट, तो मैक्सिमम जो आपका बिल आ सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 900 लीरा या 1,000 लीरा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आता। और अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँ तो ये हार्डली बनते हैं 10 से 11 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं बनते। इसके अलावा अगर मैं टर्की के पासपोर्ट की बात करूँ, तो टर्की का पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट।
मतलब दुनिया में 52 रैंक है इनका इस वक्त, तो आपको ये पासपोर्ट अलाउ करता है कि आप 120 से ज़्यादा दुनिया के मुल्क जो हैं वो विज़िट कर सकते हैं 90 डेज़ के लिए, इंक्लूडिंग जो आपके शेंगन कंट्रीज़ होते हैं। आपको किसी किस्म का वीज़ा का एक्सपेंस देना नहीं पड़ता, चाहे आप मलेशिया जा रहे हो, चाहे आप जापान जा रहे हो, चाहे आप कोरिया जा रहे हो, चाहे आप थाईलैंड जा रहे हो, चाहे आप हॉन्गकॉन्ग जा रहे हो, ये सब वीज़ा फ्री एंट्रीज़ हैं यहाँ पर आपकी। इसके अलावा अगर आपके पास टर्की का पासपोर्ट है तो आप इजीली यूएसए भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रोसेस ज़रा जल्दी हो जाता है। जस्ट सपोज़ आप टर्की में रहने के बाद आप चाहते हैं कि 5-6 साल बाद मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो आप टर्की से रहते हुए E2 वीज़ा, जो अमेरिका का इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, वो लेना आसान है कंपेयर टू अगर आप किसी एशियन कंट्री में रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ टर्की के वेदर की, टर्की में चारों तरह के वेदर आपको आसानी से मिलते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, खिजा हो। ऐसी गर्मी तपती भी वहाँ नहीं पड़ती कि इंसान ही जल के खाक हो जाए, ना इतनी ठंड पड़ती कि ठठर के मर जाएं आप। मतलब जैसे यूके का वेदर है ना, ऑलमोस्ट टर्की का ऐसा ही वेदर है। इसके अलावा भी टर्की की नेशनलिटी के इन घनत फ़ायदे हैं, अगर आपको मैं गिनवाने बैठूं तो मतलब एक ब्लॉग तो मैं सिर्फ फ़ायदों पे ही बनाऊं। पर लेकिन जो आपको मेन कंसर्न होता है ना किसी भी कंट्री में जाने के बाद, वो होता है कि यार हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ जाएं, हमें बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल हो, तीसरा हमारे पास घर हो जाए। देखिए घर और खाना ऐसा है ना कि वो आपने दुनिया के हर कंट्री में जाके करना है, लेकिन अगर आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन भी मिल रही है, हेल्थ केयर सिस्टम भी आपको अच्छा मिल रहा है, तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है, सोने पर सुहागा है ये चीज़ तो। अच्छा देखिए, अब अगर हम बात करते हैं आसान तरीन तरीका कौन सा टर्की जाने का, कैसे आप नेशनलिटी ले सकते हैं आसान तरीके से। टर्की ने अनाउंस किया था इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर्टी। अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपया आज के दौर में मौजूद है तो टर्की ने अपने दरवाजे आपके लिए खोल रखे हैं। आपने 5 साल टर्की में लीगली गुजारने और टर्की आपको नेशनलिटी दे देगा। टर्की ने मई 2022 के अंदर एक स्कीम निकाली थी, उसके अंदर ये था कि अगर कोई अपनी फैमिली के साथ टर्की मूव करना चाहता है तो वो आसानी से दो तरीकों से मूव कर सकता है। पहला तरीका यह है कि आप प्रॉपर्टी बाय करें $75,000 की, जिसकी वर्थ हो, और वो टर्की के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ले सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 30 है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास $75,000 नहीं है तो आपके पास मिनिमम $50,000 होने चाहिए, जिसके वर्थ की आप प्रॉपर्टी बाय करें, और वो आप टर्की के छोटे शहरों में बाय कर सकते हैं, जो कि 50 से ज़्यादा शहर है। इनमें से आप किसी भी सिटी में अगर बाय करते हैं $50,000 की वर्थ की प्रॉपर्टी, तो भी आपको 5 साल बाद नेशनलिटी ऑफर की जाएगी। शर्त यह है कि आपको वहाँ रहना पड़ेगा, टाइम गुजारना पड़ेगा मुल्क के अंदर। और इन दो स्कीम्स के थ्रू आप अपनी पूरी फैमिलीज लेके मूव कर सकते हैं टर्की के अंदर, और वहाँ पे बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन आपके बच्चों को इसी तरह हासिल होगी जैसे वहाँ पे उनके सिटीजन्स को हासिल है। और दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी अगर टर्की में पैसा लगाते हैं ये, तो आपको घाटे का सौदा नहीं होना, आपको ये प्रॉपर्टी कुछ दे के ही जाएगी 5 सालों बाद, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं। इवन अगर आपका प्लान ये है कि भाई हमने यहाँ नहीं रहना, उसके बाद हमने अमेरिका चले जाना है या कनाडा चले जाना है, तो भी प्रॉपर्टी आपको पैसा अच्छा खासा देके जाएगी, क्योंकि यूके जैसे मुल्क में, अमेरिका जैसे मुल्क में, कनाडा जैसे मुल्क के अंदर $75,000-$50,000 का कुछ नहीं आता, छोटा सा फ्लैट भी नहीं आता यकीन माने। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी लगाते हैं ना अपना पैसा, तो भी आपका पैसा ना सेफ हैंड्स में रहने वाला है, डूबने नहीं वाला एटलीस्ट। और आपको ये प्रॉपर्टी बाय करने की किसी किस्म के एजेंट की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने प्रॉपर्टी ऑनलाइन पसंद करनी है, जाना है, बाय करनी है, गवर्नमेंट में अप्लाई करना है, और आपको वहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। किसी किस्म के एजेंट्स के हाथों पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए, क्योंकि मैं एक बात बता दूं, हमारे मुल्कों में ऐसे एजेंट्स बैठे हुए जो आपको कहते हैं हम आपको यहाँ से ही बैठ कर TRC दिला देते हैं। आपको किसी एजेंट की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर्टी पसंद करें, जाएं वहाँ, देखें, विजिट करें, खुद अपना मामला क्लियर करें, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए ना आपको एजेंट की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी वे है, बहुत से लोगों मैं जानती हूँ जिन्होंने टर्की में प्रॉपर्टी बाय की है इस तरह से, और ख़ुद बाय की है, किसी एजेंट की मदद नहीं ली। सो अगर आपके पास पैसा है और उसे आप राइट जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हैं, और इस्लामिक कंट्री में रहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है, तो टर्की इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव एट द मोमेंट। अगर अब आप कहते हैं कि भाई GCC कंट्रीज भी तो हैं, वहाँ हम जाके रह सकते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी हमारी अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन ये बात याद रखेंगे, आप सारी ज़िंदगी GCC कंट्रीज़ में लगा दें, वो आपको नेशनलिटी नहीं देते, और जहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर ना हो, वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है। उसके कंपेरिजन में अगर आप टर्की को देखते हैं, आप 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपया लगाते हैं अगर, तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे सर पे छत भी मिलती है, दूसरी बात आपको वहाँ पे रेजिडेंटशिप भी ऑफर होती है, जिसे वो TRC कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंटशिप कार्ड। यकीन माने जिन पैसों में टर्की आपको रेजिडेंटशिप ऑफर कर रहा है ना, इन पैसों में तो पाकिस्तान में भी 120 गज का घर नहीं आता अब। लेकिन टर्की में 1.5 करोड़ लगाने से ना सिर्फ आपका फ्यूचर सेफ होगा, आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, आपको तहफ़ फराम होगा, बल्कि आपके आने वाली नस्लों की ज़िंदगी भी संवर जानी है। चलिए जनाब, इसी नोट पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।